Hello everyone. In continuation of the earlier video regarding spectroscopy and microscopy, this is the second part. आप अगर first part नहीं देखे हो तो देख ले सकते हैं, तभी आप second part को भी बहुत मज़ेदार तरीके से enjoy कर पाएंगे. So second part हम लोग start करेंगे कुछ questions से. Firstly, एक फर्स्ट क्वेश्चन जो इधर स्क्रीन में नहीं है मैं पूछ रहा हूँ, जो बहुत जगह पे देखता हूँ पेट्रोग्राफी में लिखता है माइक्रो फोटोग्राफ्स, समटाइम्स कोई लिखता है फोटो माइक्रोग्राफ्स. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू टर्म्स, आर दे सेम? नो. देखो, फोटो माइक्रोग्राफ्स इज द अप्रोप्रिएट टर्म. पेट्रोग्राफी में हम लोग जो अंडर माइक्रोस्कोप देखते हैं उसको अगर फोटो लिया तो दैट इज फोटो माइक्रोग्राफ, नॉट माइक्रो फोटोग्राफ. माइक्रो फोटोग्राफ क्या है, फोटोग्राफ क्या है? सिंपल विजिबल लाइट यूज करके जो फोटो खींचते हैं ना हम लोग, उसको बहुत छोटा सा साइज में प्रिंट ले लिया तो दैट विल बी माइक्रो फोटोग्राफ. फोटोग्राफ जो बहुत छोटा सा साइज में रखा हुआ है, जैसे पासपोर्ट साइज फोटो या A4 साइज पेज में तुम्हारा फोटो लिया, उसी को पासपोर्ट साइज ले लो, उससे भी छोटा करो स्टैम्प साइज, उससे भी छोटा करते रहो. फोटो तो तुम्हारा ही है, डिटेल तो अंदर का डिटेल कुछ आएगा क्या? नहीं, छोटा हो जाएगा साइज. दिखने में तुम्हारा नोज नहीं दिखेगा, आंख नहीं दिखेगा, है ना? इस उसको क्या बोलोगे, माइक्रो फोटोग्राफ. बट फोटो माइक्रोग्राफ क्या है, इनफैक्ट ज्यादा डिटेल दिखा रहा है, एग्जैक्टली ऑपोजिट है ना. जो विजिबल राइट से नेकेड आई में नहीं दिख रहा है वो भी दिखेगा फोटो माइक्रोग्राफ में, है ना. जो थिन सेक्शन देख रहे हो दैट इज कॉल्ड फोटो माइक्रोग्राफ. माइक्रो फोटोग्राफ होने से क्या है, तुम्हारा फोटोग्राफ तुम्हारा नाक ही नहीं दिखेगा, तुम्हारा आँख ही नहीं दिखेगा. जस्ट ऐसा समझने के लिए इन ए लाइटर सेंस, ठीक है. नाउ मेन क्वेश्चन इज व्हाई डिफरेंट कलर ऑफ मिनरल्स. हम लोग जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं ये कलर दिखता है ना, अलग अलग कलर अलग अलग मिनरल का, इसका कारण क्या है? देखो, जैसे क्वार्ट्ज, इधर देखो ये लिस्ट देखो, ये 15 मेन मिनरल्स जो है ना, यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मिनरल्स इन जनरल दिखते हैं. जैसे बाहर भी बहुत होता है बट ये रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स में बहुत कॉमन है, जैसे क्वार्ट्ज, ऑर्थोक्लेस, माइक्रोक्लीन, प्लेजियोक्लेस, मास्कोबाइट, बायोटाइट, क्लोराइट. देखो ऐसा हॉर्नब्लेंड, ऑगाइट, इंस्टाटाइट या हाइपरस्थीन, ऑलिविन, कैल्साइट, डोलोमाइट, जिप्सम, गार्नेट, स्टोरेट, सभी का देखो कलर क्या है. इसमें कुछ कुछ में कलरलेस है, कलरलेस कलर्स. देखो इधर देखो बायोटाइट का क्या है, ब्राउनिश कलर, येलो कलर, कुछ कुछ में कलरलेस है लेकिन लाइट ग्रीन भी है क्लोराइट में, है ना, कोई ब्राउन है, पेल ग्रीन. इतना वेरिएशन क्यों आता है, इसका मेन कारण क्या है? जब लाइट माइक्रोस्कोप में तो थिन सेक्शन में, ये तो पत्थर का जो मिनरल का थिन सेक्शन, मतलब थिन सेक्शन कैसे बनाता है वो भी बोलूँगा. वो थिन सेक्शन से जब लाइट गुजरता है ना तो मिनरल प्रॉपर्टी के अनुसार कुछ कुछ मिनरल है, पहले ही बोला था ना कि व्हाइट लाइट बहुत सारा लाइट का कॉम्बिनेशन है, कलरफुल लाइट का विवजियर, है ना. तो देखा जाता है स्पेसिफिक वेवलेंथ या स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी को, सब फ्रैक्शन को कुछ कुछ मिनरल रुक देता है और बाकी को जाने देता है. फॉर एग्जांपल बायोटाइट का जब रेड दिख रहा है ना, दैट मींस बाकी सब कलर का लाइट को ये एब्जॉर्ब कर लिया, ओनली अलाउ कर रहा है ट्रांसमिशन को रेड पोर्शन को. रेड का क्या है, रेड का वेवलेंथ ज़्यादा है तो वो रेड को ही ये अलाउ कर रहा है, बाकी सब कलर को जाने नहीं दे रहा है, इसीलिए वो रेडिश दिखेगा. जो ग्रीन है वही ग्रीन कलर को, ग्रीन पोर्शन को जाने देगा, बाकी को नहीं जाने देगा, इसीलिए होता है. ये किस लिए होता है, मिनरल का जो एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके कारण से होता है, ठीक है. एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ अभी देखो दूसरा क्वेश्चन लिंक हो गया, व्हाई डिफरेंस बिटवीन आइसोट्रॉपिक एंड अनआइसोट्रॉपिक सब्सटेंसेस, ठीक है. सो अनआइसोट्रॉपिक एंड आइसोट्रॉपिक सब्सटेंस क्या है, यही मिनरल में क्रिस्टलोग्राफिक जो एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है ना, क्रिस्टल बनता है डिफरेंट अपना एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन से. सो कुछ कुछ क्रिस्टल देखा जाता है जिसके अलोंग लाइट जाने से
सब डायरेक्शन में इक्वल वेलोसिटी में जाता है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होता है लाइट का डायरेक्शन वेलोसिटी, ऑल डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी में जाएगा, जो भी जाएगा सेम जाएगा, इसको आइसोट्रोपिक बोलते हैं। और कुछ कुछ मिनरल्स देखा गया है जिसके अंदर से लाइट जब पास करेगा ना तो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग वेलोसिटी से लाइट पास करता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है एटॉमिक स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर होमोजीनियसली यूनिवर्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एटम रहता है ऑल डायरेक्शन में, जैसे कि क्यूबिक क्रिस्टल सिमेट्री रहता है ना वो क्यूब जैसा, हर फेस सेम, तो वो क्या करेगा, वो आइसोट्रोपिक रहेगा, उसमें हर डायरेक्शन में लाइट का वेलोसिटी सेम रहता है उसके अंदर से जब जाएगा। हर कुछ अदर क्रिस्टल्स रहता है जिसमें लाइट दो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग दिखाते हैं, ठीक है। तो क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन में जब घुमाओगे स्टेज को, जैसे प्लियोक्रोइज्म देखते हैं ना माइक्रोस्कोप में, वो भी बोलूँगा कैसे देखते हैं, सो प्लियोक्रोइक कलर देखते हैं अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग, बिकॉज कुछ कुछ मिनरल जो होता है एनाइसोट्रॉपिक, जिसमें एक एक डायरेक्शन में लाइट का वेलोसिटी अलग अलग होता है, और वेलोसिटी अलग मतलब क्या है, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट वेवलेंथ का लाइट अलाउ होता है, ट्रांसमिट होता है। सपोज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कुछ पेल ग्रीन होएगा, दूसरा डायरेक्शन में येलो ट्रांसमिट करेगा, सो प्लियोक्रोइज्म इसीलिए चेंज होता है कलर का, समझ गया। क्रिस्टलोग्राफिक अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग रेट में ये लाइट को ट्रांसमिट करता है, अलग अलग वेवलेंथ को ट्रांसमिट करता है, चूजी हो जाता है, ठीक है। दूसरा देखो हाउ बाइरिफ्रिंजेस डबल रिफ्रैक्शन एंड रिटार्डेशन आर रिलेटेड। सो देखो अभी धीरे धीरे नया नया टर्म्स आ रहा है ना, बाइरिफ्रिंजेंस ये सब क्या है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, बहुत सिंपल बात है। अभी जो बोल रहा हूँ ना कि अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग वेलोसिटी में लाइट जाता है, सो अलग अलग वेलोसिटी में जाने से क्या होगा, अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रीवियस वीडियो में क्या बोला था, इट इज ए रेशियो ऑफ लाइट वेलोसिटी, कि कौन सा वेलोसिटी का, जैसे एक वैक्यूम में कितना वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वो पर्टिकुलर मिनरल के अंदर से जब लाइट जाएगा उसमें क्या वेलोसिटी है ना। तो लाइट का वैक्यूम में वेलोसिटी हमेशा हाई रहेगा, और जितना डेंसर ये मटेरियल में जाओगे उतना कम रहेगा वेलोसिटी, है ना। सो अभी एनिसोट्रोपिक में क्या बोला, अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग वेलोसिटी मिलेगा, सो अलग अलग वेलोसिटी मिलने से अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा, सो ऐसा मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये डिफरेंस को ही बाई रिफ्रिंजेंस बोला जाता है, ठीक है। सो एनाइसोट्रॉपिक में बाई रिफ्रिंजेंस दिखेगा, है ना, दूसरे में नहीं दिखेगा। रिफ्रैक्शन इंडेक्स का डिफरेंस दैट इज बाई रिफ्रिंजेंस। तो फिर दूसरा टर्म आ गया डबल रिफ्रैक्शन, वो क्या होता है, डबल रिफ्रैक्शन क्या होगा, ये है कुछ कुछ पर्टिकुलर आइसोट्रोपिक छोड़ के, जो एनाइसोट्रोपिक होता है क्यूबिक छोड़ के, बाकी सब सिस्टम जैसे कि ऑर्थोगोनल ट्राइगोनल मोनोक्लिनिक, है ना, जो भी सिस्टम है हेक्सागोनल टेट्रागोनल सभी में देखा जाता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लाइट यूनिफॉर्मली कट जाता है, लेकिन दूसरा डायरेक्शन में जाने से क्या होगा, लाइट दो फ्रैक्शन में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। लाइट अगेन दो फ्रैक्शन में डिवाइड होता है, और जिस जैसे कैसे डिवाइड होता है, दो इसको एक को ओ रे ऑर्डिनरी रे जिसका कोई ज्यादा ऐसा ज्यादा रिफ्रैक्शन नहीं होता है, और एक है दूसरा थोड़ा रिफ्रैक्टेड होके ई रे होके निकलता है, ओ रे एंड ई रे दोनों एक दूसरे का कंपैरिजन में परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करता है, ठीक है। ओ रे क्या है ना, नॉर्मल स्नेल्स लॉ फॉलो करता है। स्नेल्स लॉ क्या था, इंसिडेंस एंगल और रिफ्रैक्शन एंगल के बीच रिलेशनशिप, है ना, साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड साइन ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल, इसके बीच जो रिलेशन था ना कैसे था, रिफ्रैक्शन इंडेक्स ऑफ वो जो मीडियम ऊपर का वाला एंड इनटू साइन इंसिडेंस एंगल इक्वल टू रिफ्रैक्शन इंडेक्स इनटू जिस मीडियम में रिफ्रैक्शन हो रहा है उसका आर आई, ठीक है।
ये प्रीवियस वीडियो में आप देखने से आपको तो आराम से क्लियर हो गया। सो डबल रिफ्रैक्शन में क्या होता है, ऐसा एक जो है ओ रे उसका रिफ्रैक्शन ऐसा ज्यादा नहीं होता है, स्ट्रेट जाता है जैसे आ रहा था वैसे ही, लेकिन दूसरा में थोड़ा चेंज हो जाता है पाथ। ठीक है, और अच्छी तरह बोलता हूँ। रिटर्डेशन क्या है, रिटर्डेशन यही है जो आर आई का डिफरेंस होता है, वो किस लिए होता है, वेलोसिटी के लिए। तो एक पर्टिकुलर टाइम में दो हायर वेलोसिटी एंड दूसरा लोअर वेलोसिटी, ये दो लाइट का जो डिफरेंस होगा एक पर्टिकुलर टाइम में पाथ इन टर्म्स ऑफ वेव लेंथ, उसको बोला जाता है रिटर्डेशन। ठीक है, सो देखो बाई रिप्रेजेंट किया है आर आई मैक्स माइनस आर आई मीन, है ना। सो सिमिलरली ये डेल्टा के फॉर्म में रिटर्डेशन बोला जाता है, वही सेम बाई रिप्रेजेंस इंटू डिस्टेंस। ठीक है, बाई रिप्रेजेंस इंटू डिस्टेंस को बोला जाता है ये। नाउ इधर देखो अनपोलराइज लाइट हॉल डायरेक्शन में ये कर रहा, वाइब्रेट करता है हॉल प्लेन में, जब एक क्रिस्टल के साथ जाएगा इंटरेक्ट करेगा क्या होगा इसका, मान लो कैल्साइट, देर आर सर्टेन एलिमेंटल क्रिस्टल जिसका क्या होता है ना, जिसके अंदर से डबल रिफ्रैक्शन बहुत अच्छी तरह होता है, आइसोट्रोपिक होने से नहीं होगा, एनाइसोट्रोपिक होना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल दैट मीन्स पूरा क्यूबिक सिस्टम होने से थोड़ा मुश्किल होगा, बाकी सभी में होगा। उसके अंदर से जब लाइट पास करेगा क्या होगा, दो डायरेक्शन में देखो ओरे क्या है, स्ट्रेट जा रहा है जैसा आ रहा था, दूसरा एक डेविएटेड पाथवे से दूसरा जा रहा है, इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे बोलता है, इसको ऑर्डिनरी रे बोलता है। ई रे डज नॉट ओबे स्नेल्स लॉ, ठीक है, हर एस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी रे स्नेल्स लॉ फॉलो करता है। स्नेल्स लॉ क्या है, ये देखो ये जो डायरेक्शन में जा रहा है ना इसके साथ 90 डिग्री में ये प्रोपागेट कर रहा है, इस जगह पे देखो ये तो डेविएट हो गया। ई रे के कॉम्पेरिजन में ओ रे एक दूसरे का वाइब्रेशन इज 90 डिग्री, बट जो प्रोपागेशन डिरेक्शन है ना, प्रिमिटिव प्राइमरी प्रोपागेशन डिरेक्शन ऐसा था, उसके साथ देखो ऐसा एंगल में है तो अलग एंगल में वाइब्रेट करता है। ठीक है, एनीवे तो इधर देखो डबल रिफ्रैक्शन कैसा होता है, इसके वजह से ये जो कैल्साइट का एक रॉम्ब रखा, कैल्साइट क्रिस्टल ट्रांसपेरेंट कैल्साइट में देखो ये प्लस सिंबल एक स्क्वायर सिंबल कैसा, दो तीन ज्यादा दिख रहा है, दो ज्यादा दिख रहा है ना, एक दो, तो एक ऑर्डिनरी रे के वजह से दिख रहा है, दूसरा वाला एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे के वजह से दिख रहा है। अभी ये कैल्साइट रॉम्ब को घुमा के एक सर्टेन पोजिशन में रखने से वो एक ही दिखेगा। सो एक पर्टिकुलर डिरेक्शन अलोंग विच ओ रे ई रे डिविजन नहीं होता है, उसी को ऑप्टिक एक्सिस बोला जाता है। ठीक है, स्टीरियोस्कोपिकली जो सिमेट्री होता है ना, सिमेट्री प्लेन के अलावा अगर लाइट जाएगा उसके को तो चारों तरफ सेम ही है ना दोनों साइड, तो उसके इन दैट केस पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या है, लाइट डबल रिफ्रैक्शन होता नहीं। सो ऐसा एक्सिस कभी कभी एक या दो भी रह सकता है। सो जो जिसमें ऑप्टिक एक्सिस एक रहता है उसको बोला जाता है यूनी एक्सियल क्रिस्टल, जिसमें दो ऑप्टिक एक्सिस रहता है उसको बाई एक्सियल क्रिस्टल बोलते हैं। डोंट वरी, इसमें हम डिटेल इलेबोरेट डिस्कशन भी करेंगे। अभी माइक्रोस्कोप समझने के लिए कुछ फंडामेंटल आइडिया होने से आप ग्रिप कर पाओगे बोल के ये सब थोड़ा बहुत बोल रहा हूँ, इसको अगेन रिपीट होगा और उस टाइम आप विजुअलाइज और अच्छा करोगे। अभी तक जितना बोला आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। नाउ ए बाई रिफ्रिंजेंट सबस्टेंस विल स्प्लिट अन पोलराइज लाइट इंटू टू पोलराइज रेज, अभी बोल रहा था। सो बाई रिफ्रिंजेंट सबस्टेंस क्या है, दीज आर दोज सबस्टेंस अलोंग विच इफ लाइट ट्रेवल्स इट विल बी स्प्लिटिंग इंटू टू विथ डिफरेंट आर आईज, डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिखाएगा। ठीक है, तो वो सब इसमें क्या होगा, टू पोलराइज रे बनेगा विद डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड डिफरेंट वेलोसिटीज, बात एक ही है ना, डिफरेंट वेलोसिटीज होने से डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा। सो क्रिस्टल ऑफ कैल्साइट डिमोन्स्ट्रेट दिस फेनोमेना, अलग क्रिस्टल भी होता है लेकिन कैल्साइट में बहुत अच्छी तरह दिखता है, ज्यादा प्रोमिनेंटली दिखता है। अब वेलोसिटी ऑफ ओ रे जो ऑर्डिनरी एंड एक्सटर्नल जनरली दिखा जाता है, ऑर्डिनरी लाइट का वेलोसिटी थोड़ा ज्यादा रहता है ई रे से, क्यों, दिस इज बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑर्डिनरी रे इज कॉन्स्टेंट इन ऑल डायरेक्शन विद इन द क्रिस्टल, व्हाइल द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द एक्सटर्नल रेज
वेरीज इन डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। हालांकि कोई जरूरत नहीं है, इसके बारे में आप बाद में भी सोच सकता है, ठीक है। एज ए रिजल्ट ओ रे एक्सपीरियंसेस लेस स्लोइंग डाउन, लेस स्लोइंग डाउन मीन्स लोअर वेलोसिटी, और लोअर वेलो होने से कंपेयर टू ई रे, है ना। बात समझो, अगर नहीं भी समझा नेक्स्ट में मैं अच्छी तरह पूरी तो ये दिखा के दिखाता हूँ। नाउ फॉर नॉर्मल इंसिडेंस एट 0 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब ये जो है ऐसा जा रहा है सपोज, हाँ इसमें क्या हो रहा है, स्नेल्स लॉ प्रेडिक्ट दैट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी 0 डिग्री। ये तो इधर नहीं जा, रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है ना, ये नॉर्मल ये जो प्लेन के साथ 90 डिग्री हमें ये कर रहा है ना, तो स्ट्रेट निकल जाएगा ना अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, ठीक है, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है। कि प्लेन और दो प्लेन का जो बाउंड्री है उसके साथ नॉर्मल से जो एंगल होता है उसी को इंसिडेंस एंगल बोलते हैं। इसमें तो 0 डिग्री है ना, ये प्लेन का नॉर्मल यही है, अलॉन्ग नॉर्मल जा रहा है, सो इंसिडेंस एंगल 0 डिग्री होने से नो रिफ्रैक्शन, स्ट्रेट जा रहा है, तो ऑर्डिनरी रे फॉलो कर रहा है, लेकिन देखो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे फॉलो नहीं कर रहा है ना, सो स्नेल्स लॉ तो फॉलो नहीं कर रहा है इसीलिए। इन द केस ऑफ डबल रिफ्रैक्शन ऑफ नॉर्मली इंसिडेंट रे ऑफ लाइट एटलीस्ट वन ऑफ द टू रेज मस्ट वायोलेट स्नेल्स लॉ। सो डबल रिफ्रैक्शन में दो जो फ्रैक्शन हो रहा है उसमें से एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे फॉलो नहीं कर रहा स्नेल्स लॉ, सो इसीलिए इसको इट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। फॉर द ई रेज वाइब्रेशन डायरेक्शन इज नॉट परपेंडिकुलर टू द रे पाथ, ये तो रे पाथ है, रे का पाथ, इसके साथ 90 डिग्री में वाइब्रेट करना पड़ता है, बट ये देखो अलग डिरेक्शन में ही चला गया ना, सो इसका तो रे पाथ ही अलग हो गया, लेकिन रे पाथ जनरलाइज टर्म जो इन स्टार्टिंग में जो रे आ रहा है उसी का डायरेक्शन को बोला जाता है, तो इसके लिए अलग से एक टर्मिनोलॉजी लेके आना पड़ा, दैट इज कॉल्ड वेव नॉर्मल, बिकॉज इसका वेव अलग डिरेक्शन में जा रहा है, तो उसी के साथ नॉर्मल में वाइब्रेट करने को वेव नॉर्मल बोलना पड़ेगा। जैसे इधर देखो, इधर देखो ये एक्चुअल इंसिडेंट रे, जैसे ऑर्डिनरी रे भी ऐसा ही गुजरेगा, लेकिन अभी इस जगह पे आने के बाद सपोज प्रोपागेशन ई रे चेंज हो गया ना, तो ई रे अभी देखो ऐसा जा रहा है, तो एक्चुअली प्रोपागेशन डायरेक्शन से अलग एंगल में जा रहा है, और वाइब्रेट तो ऐसा ही करेगा उसके साथ परपेंडिकुलर में, समझ गया। सो इन केस ऑफ ई रे न्यूली अचीव्ड पाथवे को बोला जाता है वेव नॉर्मल, ठीक है। नाउ ऑल ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल्स एक्सपेक्ट क्यूबिक सिस्टम हैव प्रॉपर्टी ऑफ डबल रिफ्रैक्शन, सभी का है, बोल रहा था ना, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होने से जिसके अंदर से अलग अलग वेलोसिटी में लाइट गुजरेगा उसी में डबल रिफ्रैक्शन दिखेगा, दैट्स इट। फॉर मोस्ट क्रिस्टल द इमेज सेपरेशन इज नॉट लार्ज इनफ टू बी विजिबल, वही बोल रहा था, कैल्साइट में बहुत अच्छी तरह पता चलता है, ठीक है। सो ये डबल रिफ्रैक्शन को यूज करके, इस प्रॉपर्टी को यूज करके मेनली माइक्रोस्कोप का लेंस बनता है जिसके अलग से लाइट गुजर के ये होता है। लाइक माइक्रोस्कोप बनने के लिए प्रॉपर ये चाहिए ना, सेटअप चाहिए ना, उसके लिए पोलराइजर एनालाइजर जो भी है उसके लिए ये प्रॉपर्टी चाहिए डबल रिफ्रैक्शन। बट ये डबल रिफ्रैक्शन से हमको एक सिंगल लाइट को ही अलाउ करना है, तो कैसे करेंगे, इसी के लिए स्कॉटलैंड का फिजिसिस्ट था विलियम निकोल, उसी के नाम से निकोल प्रिज्म नाम आया, ठीक है। ये कैल्साइट के रोम को ये एग्जैक्ट अलोंग ऑप्टिक एक्सिस काट दिया था, अलोंग जो डायगोनल है ना काट दिया, काट के इन बिटवीन में एक कनाडा बल्सम बोल के पेस्ट लगा दिया, ग्लू टाइप का चीज है, इसका नॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था 1.54 के आसपास, ठीक है। 1.54 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डालने के बाद चिपका के फिर जब लाइट गुजरता है, ये देखा गया कि ऑर्डिनरी लाइट इसके अंदर से फिर पास थ्रू नहीं होता है, बिकॉज इसका जो है ना फॉर ऑर्डिनरी रे क्या हो रहा है, कनाडा बल्सम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो लेस देन कैल्साइट है, तो हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लो के तरफ क्या होगा, इस अंदर ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है, ठीक है। सो ऑर्डिनरी रे गुजर नहीं पाता है, ओनली एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे गुजरता है, बिकॉज इन केस ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे आर आई ऑफ कनाडा बल्सम इज मोर देन आर आई ऑफ कैल्साइट, ये जो कैल्साइट है ये पोर्शन का जो ग्रीन कलर से कनाडा बल्सम दिखाया, ये
लाइट के लिए अलग अलग लाइट के लिए अलग अलग वैरी करता है, ठीक है ना। सो यही है मेन फंडा। नाउ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ ओ रे हो जाने से क्या होगा, ई रे ओनली अंदर अल्टीमेटली निकल के आ पाएगा। सो ये ई रे एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे ही मेनली यूज होता है माइक्रोस्कोपी में, ठीक है, क्लियर हो गया। ये देखो इधर देखो, इधर क्या है, एक लाइट है, लाइट डिफरेंट डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है, प्लेन में डिफरेंट डायरेक्शन में। जब ये ऐसा पोलराइजर से गुजरेगा, इसको मान लो पोलराइजर, ठीक है, तो इसके लिए एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन डिरेक्शन ही जा पाएगा इसके अंदर से, ओनली ई रे जा पा रहा है, और ये रे का वाइब्रेशन ऐसा है पोलराइजर जिसको अलाउ कर रहा है ना। नाउ वो एक इंटरेक्ट करेगा हमारा स्लाइड से थिन सेक्शन, उसके बाद जब निकलेगा थिन सेक्शन से तब क्या होगा, लाइट तो चेंज हो गया इंटरेक्शन होकर, नाउ अगेन अलग अलग लाइट निकल सकता है, फिर अगेन एक सिंगल अलग इसके साथ 90 डिग्री एंगल में वाइब्रेट करने वाला और एक फिल्टर रखा जाता है, सेम अलग टाइप का निकल, जस्ट मान लो ऐसे करके इधर कन्वर्टेबल सम लगाया है इसके पोलराइजर, और दूसरा एनालाइजर में मान लो ऐसा डायगोनल से काट के कन्वर्टेबल सम लगाया गया है, दैट्स इट। सो दोनों एक दूसरे से अलग एंगल में है, 90 डिग्री में है फॉर टाइम बींग मान लो, ठीक है। सो ऐसा करके एनालाइजर बनाया जाता है, फिर एनालाइजर भी दूसरा एंगल से इसको दूसरा वाइब्रेशन को ही ओनली अलाउ करेगा। सो इवेंचुअली दैट लाइट अगेन अलग तुमको दिखेगा, अगर ये एनालाइजर ना हो तो तुमको ऐसा व्यू आएगा, और अगर एनालाइजर घुसा दिया तो तुमको ऐसा व्यू आएगा, फ्रॉम इधर तुम आंख रख के देखोगे, ठीक है। दिस इज द मेन फंडामेंटल थिंग। नाउ ये तो क्लियर हो गया। नाउ इधर एक छोटा सा चीज देख लो, जब एनालाइजर पोलराइजर ये सब भी देख रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो ना, तो ये तो ऐसा करके रफली बोल दिया, इधर कनाडा वालसम बोल दिया, सेम टाइप का आजकल का नया टाइप का इपोक्सी बोल के भी रहता है, सेम टाइप का मटेरियल माने आरआई रहता है जिसपे यूज होता है कुछ स्पेसिफिक आधुनिक इसमें, ठीक है। तो नाउ एक माइक्रोस्कोप का ओवरऑल आइडिया ले लेते हैं, ये एक सिंपल माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप का डिफरेंट पार्ट, इतना कुछ देखने से घबराने का कोई जरूरत नहीं। इधर जस्ट पहले अगेन इस चीज का जूम जूम इन करो, फंडामेंटल देख लो, इधर लाइट आता है, इधर जैसे एक लाइट सोर्स रहता है, लाइट सोर्स कहाँ जाएगा, पोलराइजर इधर रखा जाता है, पोलराइजर तो लाइट सोर्स पोलराइजर के अंदर से जाने से जो लाइट आएगा ओनली पोलराइज्ड लाइट आएगा, है ना, प्लेन पोलराइज एक ही सिंगल प्लेन में वाइब्रेट करेगा। देन बाई रिप्रेजेंट स्पेसिमेन रखा जा रहा है, एनाइसोटोपिक कुछ मिनरल का कुछ स्पेसिमेन, बाई रिप्रेजेंट मीन्स अलग अलग आ रही रहेगा। सो इसके साथ इंटरेक्ट करने से क्या होगा, अलग अलग लाइट निकलेगा, अगेन ओ रे ई रे निकलेगा ना। सो ये ओ रे ई रे में अगेन दूसरा वाला क्या कर रहा है, ओनली ई रे को जाने देगा, अलाउ करेगा। सो एनालाइजर का जो वाइब्रेशन डायरेक्शन स्पेसिफाइड है वो फिल्टर से उसी के पैरेलल वाला वाइब्रेट करने वाला लाइट ही निकल पाएगा, सो दैट इज इन केस सपोज ई रे। सो फाइनली यही चीज हम लोग देखते हैं लाइट है आफ्टर इसमें, तो इसी के लिए इतना कुछ अरेंजमेंट है। कुछ कुछ में तो अभी आजकल जैसे लाइका ये सब में क्या है ना, रिफ्लेक्टेड लाइट माइक्रोस्कोपी एंड पोलराइज माइक्रोस्कोपी दोनों रहता है, ये तो इतना टाइम से पोलराइजेशन पोलराइज लाइट बोल रहा, जो ट्रांसमिटेड माइक्रोस्कोपी, सेम चीज में रिफ्लेक्टेड लाइट माइक्रोस्कोपी मीन जब मेटल होता है तो उसके अंदर से ट्रांसमिट नहीं करेगा लाइट, तब बाहर से ऊपर से लाइट आके रिफ्लेक्ट करेगा, दैट रिफ्लेक्टेड लाइट हम लोग देखते हैं। फर्स्ट पार्ट देखना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, सब चीज बहुत ईजी तरीके से ही लिंक्ड है, ठीक है। इतना चीज देख के अगर आपको कन्फ्यूज हो रहा है कोई बात नहीं, हम एक एक करके बहुत ईजी तरीके से समझा देता हूँ। देखो फंडामेंटली 6 चीज याद रख लो बस, ठीक है। माइक्रोस्कोप शुड पोजेस एक रोटेटेबल स्टेज, वन आर मोर ऑब्जेक्टिव लेंसेस है ना, देन एन ऑक्यूलर दैट इज आईपीस लेंस, पोलराइजर एनालाइजर रिफ्लेक्टर एंड लाइट सोर्स, ठीक है। एंड ऑक्सिलरी चीज क्या है इसके साथ, सैंपल होल्डर, मैकेनिकल स्टेज, आईपीस, माइक्रोमीटर, फोटोमीटर, मोनोक्रोमीटर और फिल्टर, कैमरा अटैचमेंट, ये जो आजकल का आधुनिक कैमरा है, ये सब
एक्स्ट्रा जितना दोगे उतना कॉम्प्लिकेट होगा, लेकिन आपके लिए बहुत यूजर फ्रेंडली हो जाता है। नाउ ये देखो, ये है कैल्साइट रॉक, इसके येलो कलर के अलॉन्ग काट दिया तो निकोल प्रिज्म बनेगा है, और अदरवाइज ऑप्टिक एक्सिस डायरेक्शन ऐसा होता है। यही तो सिमेट्री है ना इसका, देखो इस साइड जो है इस साइड पे भी सिमिलर दो इक्वल हाफ बन रहा है, रोम्बिक है ना, तो इसको ऑप्टिक्स अलोंग दिस अगर जाएगा लाइट ऐसा उड़े इरे नहीं बनता। अभी देखो इधर से गुजर रहा है बोल के इरे उड़े बन रहा है, ठीक है ना, बहुत सिंपल वे में। तो फिर माइक्रोस्कोप को समझने के लिए तो इतना कुछ देख रहे हो ना, ये छह चीज फंडामेंटली याद रखो, एक दो तीन चार पाँच छ। फर्स्ट है इल्यूमिनेटर, दैट इज ए लाइट सोर्स, ठीक है। देन सबस्टेज, नीचे से ऊपर की तरफ सोचो, माइक्रोस्कोप का सबसे नीचे क्या रहता है, एक लाइट सोर्स रहेगा। उसके ऊपर क्या रहेगा, एक सबस्टेज असेंबली। स्टेज मतलब जो गोला रहता है जिसके ऊपर हम लोग थिन सेक्शन को प्लेस करते हैं ना, सो दैट इज माइक्रोस्कोपिक स्टेज। माइक्रोस्कोपिक स्टेज के ऊपर में क्या है, सुपर स्टेज असेंबली, देन आई पीस और अकुलर हेड, एक ही बात है। एंड देन सबसे ऊपर क्या रहेगा, फोकसिंग नॉब, फ्री वर्किंग डिस्टेंस, सॉरी ये एक्स्ट्रा है, नीचे से ऊपर इधर तक है। फोकसिंग नॉब कुछ कुछ जगह पे अलग अलग कंपनी में अलग अलग जगह पे रखता है, इसका फंक्शन तो मैं एक एक करके बोलता हूँ ना। देखो जो इल्यूमिनेटर जो लाइट सोर्स है उसमें क्या क्या रहता है, बहुत सिंपल, एक बल्ब रहेगा, एक फिल्टर रहेगा। एक बल्ब क्या करता है, इट कंसिस्ट ऑफ पावर सोर्स, इनकंडीशन जो बल्ब है ना वो क्या करेगा, लाइट फ्रॉम द बल्ब इज डायरेक्टेड अपवर्ड, एंड ऊपर में एक ब्लू फिल्टर रखा रहता है। ब्लू फिल्टर के साथ जो अलॉन्ग जो लाइट पास करेगा, दैट लाइट ऐसा करके आएगा जी अप्रोक्सीमेट सनलाइट, घर के अंदर तो सनलाइट जैसा सेम इंटेंसिटी का लाइट पड़ना पॉसिबल नहीं, बट ये ब्लू फिल्टर सनलाइट का इक्विवेलेंट लाइट को ही जाने देता है, तो सनलाइट ही मान लो वो जा रहा है, नॉर्मल ऑर्डिनरी लाइट बन गया। नाउ अभी नॉर्मल ऑर्डिनरी लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कॉन्वर्ट होना है, वो सब स्टेज स्टेज के नीचे होना है, क्योंकि पोलराइज्ड लाइट बन के वो तो पहले आपका सेक्शन के साथ इंटरेक्ट करेगा, तो सबसे नीचे सोर्स उसके ऊपर पोलराइजर रहता है निकोल प्रिज्म जैसा है, ठीक है। पोलराइजर को निकोल प्रिज्म है, एनालाइजर उसके ऊपर रहता है स्टेज के ऊपर, वो भी निकोल प्रिज्म है, पर दोनों में क्या है, वाइब्रेशन डायरेक्शन अलग अलग होता है, 90 डिग्री होता है टू ईच अदर। मान लो पोलराइजर का ईस्ट वेस्ट होगा तो एनालाइजर का वाइब्रेशन डायरेक्शन होता है नॉर्थ साउथ, मान लो, ठीक है। तो पोलराइजर क्या करता है, पोलराइज लाइट बनाता है, तो ऑनली अलाउ करेगा ईस्ट वेस्ट वाइब्रेशन वाला लाइट को जाने के लिए। वो ईस्ट वेस्ट वाइब्रेशन जो लाइट निकलेगा वो ऑर्थोस्कोपिक कॉन्डेंसर से गुजरेगा। ऑर्थोस्कोपिक कंडेंसर क्या करता है, सैंपल के ऊपर फोकस करने में मदद करता है। लाइट तो इधर उधर बहुत ज्यादा एरिया लेके जाएगा तो फिर दिखेगा नहीं ना, तो एग्जैक्टली वो कंडेंसर क्या करेगा, ऑर्थोस्कोपिक कंडेंसर वो लाइट को फोकस कर देगा सैंपल के ऊपर गिरने में। कभी कभी ऑर्थोस्कोपिक छोड़ के भी कोनोस्कोपिक लेंस एंड आईरिस डायफ्राम, ये दोनों चीज रहता है, दोनों ही रहता है, बट यूज हमेशा जरूरी नहीं। कॉनोस्कोप आईरिस डायफ्राम तो हमेशा ओपन रखना है, क्योंकि वो कंट्रोल करता है कितना अमाउंट ऑफ अवेलेबल लाइट जाएगा, ब्राइटनेस कितना ज्यादा लाइट भेजेगा। लेकिन कॉनोस्कोपिक लेंस कोई पर्टिकुलर कुछ स्टडी में यूज होता है, वो हायर लेवल का स्टडी में यूज होता है, वो कॉनिकल शेप में बहुत छोटा एरिया में बहुत इंटेंसिव भेजता है लाइट। जो ऑर्थोस्कोपिक कंडेंसर से निकलेगा लाइट फोकस्ड लाइट, उसी को फर्दर फोकस्ड कराता है, क्या कराता है, कोनिकल व्यू देता है। इट इज रिक्वायर्ड व्हेन इट इज नीडेड टू मेक ए स्ट्रॉन्गली कन्वर्जेंट कोन ऑफ लाइट व्हिच इज फोकस्ड ऑन ओनली ए टीनी एरिया ऑफ द सैंपल ऑन द स्टेज टू स्टडी इंटरफेरेंस फिगर्स। सो इंटरफेरेंस फिगर्स बोल के एक चीज होता है, वो भी फ्यूचर नेक्स्ट वीडियो में धीरे धीरे आएंगे। तो इंटरफेरेंस फिगर्स जब स्टडी करना पड़ता है ना, उसको बोला जाता है, उस टाइम कोनोस्कोपिक लेंस का यूज होता है, अदरवाइज नहीं होता है। इंटरफेरेंस फिगर ये सब चीज हायर लेवल का है, उसके लिए क्रॉस निकल जरूरत होता है। अभी तक तो हम लोग प्लेन पोलराइज लाइट मतलब एनालाइज पोलराइजर का यूज हुआ, एनालाइजर फ्यूचर आएगा। तो अभी इस हालत में भी आप ऊपर से देखोगे तो कुछ ना कुछ व्यू आएगा, ठीक है। लेकिन उस इसके बाद अगर
पोलराइजर भी घुसा होगा तब अलग व्यू में आता है ना। सो माइक्रोस्कोपिक स्टेज में क्या रहेगा, एक वर्नियर एक ऑनियोमीटर, चारों तरफ में देखो स्केल टाइप का रहता है ना मार्क डिमार्केशन। सो गोनियोमीटर वर्नियर स्टेज क्लिप्स फॉर होल्डिंग सैंपल्स लाइक, तो स्टेज ऐसा ही है 360 डिग्री रोटेट हो सकता है ताकि आप सैंपल को रख के डिफरेंट डायरेक्शन में मेजरेबल यूनिट के साथ देख सकते हो कौन सा डायरेक्शन में कैसा रिफ्लेक्शन है, कैसा रिफ्रैक्शन है, कितना इंटेंसिटी का प्लियोक्रोइज्म आ रहा है, डिफरेंट प्रॉपर्टी आप देख सकते हो। सो फ्रीली रोटेटिंग सर्कुलर स्टेज जो होता है ना उसमें सर्कुलर होल रहता है, वो होल के ऊपर ही तो आपको स्लाइड को फिक्स करना है बिकॉज उसी होल से नीचे से लाइट आएगा, वो पोलराइज लाइट आके थिन सेक्शन के साथ इंटरेक्ट करके फिर दूसरा लाइट निकलेगा, वही लाइट आपका थिन सेक्शन में क्या है वो दिखने में मदद करेगा है ना, वही जिसका हम लोग देखते हैं प्लेन पोलराइज लाइट में। फर्दर ये ग्लास स्लाइड्स का सैंपल क्या होता है, उसको गोनियोमीटर से आप डिफरेंट डिग्री एंगल में मेजर कर सकते हो कौन सा डिरेक्शन में रखे हो है ना, और क्लिप के माध्यम से आप उसको फिक्स्ड करके रख सकते हो स्टेज के ऊपर, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस वो है जिसके लिए हम लोग एक्चुअली देखते हैं, देख पाते हैं, बड़ा करते हैं है ना, जिसको हम लोग जूम करते हैं, जो लाइट आ रहा है वो तो नॉर्मल दिखे तब तो आंखों में नहीं दिखेगा ना, उसको तो जूम करने के लिए वेरियस मैग्निफिकेशन का ऑब्जेक्टिव लेंस रखा जाता है उसके ऊपर में, जो पोलराइज लाइट आके इस लेंस में गुजरेगा वो मैग्निफाई हो जाएगा, ठीक है। और एक्सेसरी स्लॉट्स रखा जाता है, एनालाइजर रखा जाता है, बर्टन लेंस रखा जाता है। सो सुपर स्टेज असेंबली में कितना चीज रखा जाता है, देखो सब स्टेज असेंबली में मेनली चार चीज, पोलराइजर, ऑर्थोस्कोपिक कंडेंसर, फोनोस्कोपिक लेंस एंड आईरिस डायफ्राम। देन स्टेज हो गया, स्टेज के ऊपर भी कितना चीज रहता है, नीचे तो चार चीज हो गया, ऊपर में देखो ऑब्जेक्टिव लेंस रखा जाता है डिफरेंट टाइप का एक आइटम हो गया, फिर एक्सेसरी स्लॉट रखा जाता है एक्सेसरी प्लेट घुसाने के लिए, कभी कभी वो भी हायर लेवल में आता है, दूसरा हो गया, तीसरा एनालाइजर, चौथा बर्टन लेंस, ठीक है। सो सब स्टेज में भी चार आइटम रहता है, चार अलग टाइप का कंपोनेंट रहता है, एंड सुपर स्टेज में भी चार, सुपर स्टेज असेंबली में भी चार अलग अलग कंपोनेंट्स रहता है, ठीक है। सो ऑब्जेक्टिव लेंस आर माउंटेड ऑन ए सर्कुलर नोज पीस, सर्कुलर एक जगह पे, एक एक जगह पे माउंटेड रहता है ना, एंड ये रोटेट कर सकते हो अलग अलग मैग्निफिकेशन लेंस में देखने के लिए, अलग अलग रोटेट करके उसको फिक्स करना है, ठीक है। जी ऑब्जेक्टिव लेंस ऐसा करके चेंज होता है, लेकिन डायरेक्ट लेंस में हाथ दे के चेंज नहीं करना चाहिए, वो इसमें जो नोज पीस है ना उसमें हाथ दे के चेंज करना चाहिए, वरना कभी कभी थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, उसमें मैं बोलूँगा। अब एक्सेसरी स्लॉट्स क्या है, दैट इज यूज फॉर इंसर्शन ऑफ एक्सेसरी प्लेट्स। एक्सेसरी प्लेट्स क्या है, ये जनरली चेंज करता है क्वालिटी ऑफ लाइट को फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव ऑफ लेंस, लेंस से निकालने के बाद लाइट को डिफरेंट चेंज करता है इन सच ए वे दैट इट परमिट सोफिस्टिकेटेड मिनरल आइडेंटिफिकेशन। समटाइम्स कुछ कुछ मिनरल आइडेंटिफिकेशन मुश्किल होता है, उस टाइम ये यूज होता है, अभी के लिए इतना जरूरत नहीं है, मैं बाद में बोलूँगा। फिर एनालाइजर क्या करता है, तो जानते हो अलाउ करता है पोलराइज लाइट को नॉर्थ साउथ वाइब्रेशन वाला। सो पोलराइजर ईस्ट वेस्ट को अलाउ करता है, ईस्ट वेस्ट इंटरेक्ट करके फिर डिफरेंट डिरेक्शन का लाइट बना देता है वो वाला, फिर पोलराइज एनालाइजर से गुजरने से ओनली नॉर्थ साउथ वाले को अलाउ करेगा, वो नॉर्थ साउथ वाला हम लोग देखते हैं। अगर पोलराइजर नहीं घुसाता तब भी ईस्ट वेस्ट वाला आके मिनरल में इंटरेक्ट करके डिफरेंट वाला लाइट आता था, तो इसीलिए कलरफुल चीज अच्छी तरह नहीं दिखेगा बिकॉज डिफरेंट लाइट का मिक्सड हो गया, ठीक है। ऑनली प्लियोक्रोइज्म दिखेगा, लाइट का इंटेंसिटी अलग अलग डायरेक्शन में थोड़ा हुआ, ठीक है। तो नाउ बर्टन लेंस का क्या करता है, इट इज अनदर ऑक्सिलरी लेंस, ये भी बर्टन लेंस एक लेंस ही है लेकिन अलग टाइप का है। उसका यूज क्या है, कोनोस्कोपिक मोड जब बोल रहा था ना नीचे नीचे कोनोस्कोपिक करोगे तो बर्टन लेंस को भी यूज होना है हाई पावर ऑब्जेक्टिव के साथ है ना। कोनोस्कोपिक कंडेंसर एंड एनालाइजर इंसर्टेड रहना ही है जब आप ऑप्टिक पाथ में ये सब यूज करोगे, ये हायर लेवल का स्टडी के लिए जरूरत होता है। देन आईपीस और ऑकुलर हेड, ऑकुलर मतलब क्या है, जिससे देखते हो, बाइन ऑकुलर मतलब दो ऑकुलर है, दो ऑकुलर ये होने से क्या, एक आंख से देखोगे, दो होने से स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन आएगा ना, स्टीरियोग्राफिक
व्यू में क्या होता है, 3D दिखने में सुविधा होता है। सो आईपीस में भी देखो कुछ चीज रहता है, एक रेटिकुलेट मार्किंग रहता है ना, क्रॉस हेयर बोलते हो ना, एक पैरेलल टू पोलराइजर, अनदर एनालाइजर का पैरेलल, तो चार क्वाड्रेंट में ऑटोमेटिक डिवाइड करता है, क्वांटिटेटिव स्टडी में मदद मिलता है ना, तो इसीलिए। एंड ऑकुलर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें भी एक मैग्निफिकेशन होता है, 5 to 12, मोस्टली 8 to 10x तक होता ही है। सो टोटल मैग्निफिकेशन क्या होता है, आप तो मैग्निफिकेशन के लिए ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव रखे हो अलग अलग लेंस, उसका ऑब्जेक्टिव जितना मैग्निफिकेशन हुआ इनटू मल्टीप्लाइड बाय ये अल्टीमेटली आईपीस में भी तो मैग्निफिकेशन हो रहा है। फॉर एग्जांपल 10x आईपीस और एक 10x ऑब्जेक्टिव, तो एक्चुअली 100x, 100 टाइम्स ऑफ ट्रू साइज देखोगे, है ना। सो क्रॉस हेयर्स आर फर्दर यूजफुल क्या है, सेंटर में फीचर्स को रखने के लिए, जो दो क्रॉस का सेंटर है, तब तक एग्जैक्ट कोई छोटा सा डॉट को दिखाना चाह रहे हो किसी को, आप तो खुद देख पाया, दूसरे को कैसे दिखोगे, तब बोलोगे ये देखो दो क्रॉस का जहाँ सेंटर है उस पोर्शन में मैं ये ग्रेन को अभी रखा हूँ, तुम हट के आप देख लो, तो दूसरे को दिखा पाओगे ना, ये है यूटिलाइजेशन। एंड स्टीरियोग्राफिक माइक्रोस्कोप में 2 आईपीस अभी बोल रहा था ना, विच हैज एन एडजस्टेबल फोकसिंग रिंग, एंड फोकसिंग नॉब एंड फ्री वर्किंग डिस्टेंस इज, ये क्या है, फोकसिंग नॉब से जिस चीज़ों को फोकस किया जाता है, क्योंकि कभी झिलझिल करेगा, अच्छी तरह फोकस होने से क्लियर इमेज आएगा ना। सो द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड द सैम्पल ऑन द स्टेज इज कॉल्ड द फ्री वर्किंग डिस्टेंस, ठीक है। ऑब्जेक्टिव मतलब वो जो लेंस एंड आपका स्टेज, ये डिस्टेंस को बोलते हैं, तो ये डिस्टेंस को लेंस को ऊपर नीचे आगे पीछे करना पड़ता है ना, फोकस होता है, उसके लिए जो नॉब यूज होता है उसी को बोलता है फोकसिंग नॉब। फोकसिंग नॉब दो टाइप का होता है, एक बड़ा स्केल में वो स्पीड में एडजस्ट होने का, एंड और एक हायर छोटा स्मॉल लेवल में फाइनिंग ट्यूनिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। फर्दर मूविंग द स्टेज आप डिक्रीज द फ्री वर्किंग डिस्टेंस, जितना ऊपर जाओगे नेचुरली स्टेज को ऊपर करने से क्या है, आपका नजदीक हो गया ना, आपका ऑब्जेक्ट पे बाजू में चला गया, नीचे जाना चला, स्टेज को नीचे जाने से क्या है, ऑब्जेक्टिव के रेस्पेक्ट में ये दूर चला गया, इतना ही है, यही और कुछ नहीं। सो उस टाइम बोल रहे थे ना कि ऑब्जेक्टिव्स को हमेशा होल्डिंग करने के टाइम पे, चेंज करने के टाइम पे, आप डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव जो लेंस में हाथ नहीं डालना, वो लेंस जिसके साथ फिटेड है ना, रोटेटिंग नोज पीस, उसमें हाथ देना। इसका मेन कारण है ऑब्जेक्टिव विल बिकम अनसेंटर्ड, सो दैट सैंपल्स विल नॉट रिमेन इन द फील्ड ऑफ व्यू एज द स्टेज रोटेटेड, है समझ गया, यही मेन कारण है। आपका सैंपल को तो सेंटर में रहना है ना, जितना भी घुमाओ स्टेज को वो सेंटर में रहना है सेंटर मतलब आपका जो ऑब्जेक्टिव का एक्सिस उसका सेंटर के साथ फिक्स्ड होना है, तभी घुमाने से सेंटर फिक्स्ड आएगा, चारों तरफ घूमेगा, अदरवाइज अलग तरीके से घूमेगा ना। और सिंपल थिकनेस क्या होता है, कोई भी स्लाइड का, ये है स्लाइड, एक्चुअली ऐसा दिखने में होता है, ये देखो सैम्पल थिकनेस हमेशा जानना, इन जनरल स्टैंडर्ड होता है 30 माइक्रोन या 0.03 मिलीमीटर होता है, ठीक है। सो अभी के लिए, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलेंगे और फर्दर एडवांस स्टडी में, एक एक चीज़ को आप डीप करो धीरे धीरे, तभी आप कोरिलेट कर पाओगे। सो थैंक यू।